कोऑर्डिनेट करने का थोड़ा सा टीशर्ट चाहिए। कोई खड़े ना हो, हम लोग आप लोगों के इससे आप अपने हिसाब पर ही बैठे हैं। हाँ हाँ इस पावन क्रम का जिस पलों का हम इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे वो क्रम संपन्न किया जाएगा, प्रारंभ किया जा रहा है। त्रिदेव भाई साहब हम लोगों के बीच में हैं। तो सबसे पहले त्रिदेव भाई साहब को, क्योंकि मालव माटी से भाई साहब का भी बचपन से जुड़ाव रहा है, उसी मालवा का साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बाबूलाल जी भड़ोलिया और देवेंद्र श्रीवास्तव जी को कि आप आए और श्रद्धेय को मालवा का साफा पहना करके सम्मान करें।
इस पूरे क्रम की ओर से सर्वप्रथम इस मेला के हमारे समन्वयक सम्मानी पुरुषोत्तम द्विवेदी से निवेदन करता हूं कि पुष्पहार से स्वागत करें और हमारे मध्य जोन के प्रभारी सम्मान्य विष्णु भाई पंड्या जी आपसे भी निवेदन है कि आप हम सब की ओर से श्रद्धेय का माल्यार्पण कर सम्मान करें। शिव कुमार जी पांडे भोपाल मध्य जोन के समन्वयक, तत्पश्चात युवाओं के समन्वयक श्री आनंद विजय जी और तत्पश्चात सबसे पहले माल्यार्पण के स्वागत के क्रम में एक नन्हा साधक जो अपने पूरी भावांजलि पूरे क्रम में लगाए हुआ है, जो विभीषिका आई थी, इस विभीषिका में श्रद्धेय हम लोगों को धैर्य बंधाने आए हैं। श्रद्धेय का ध्यान थोड़ा सा उस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारा जो प्रवचन पंडाल बना हुआ है, जब वो अंधड़ आया था तो उसके टीम जब उड़ने लगे, प्रज्ञा पुराण की कथा चल रही थी और सारे 500 टीम जो है उस कपड़े ने रोक लिए कि गुरु जी की बड़ी कृपा रही कि अगर एक भी टीम नीचे गिरता तो शायद बहुत बड़ी जन हानि का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी गुरु कृपा से नहीं हो पाया। दूसरा चमत्कार इसी मंच पर जो देखने को हुआ कि अखंड दीप जिस दिन से हमारा चालू हुआ है, इतने अंधड़ के आने के बाद चूंकि पूरा नया बदला गया, लेकिन देव मंच और हमारा अखंड दीप जिसको कुछ भी नहीं हुआ वो अनवरत चलता रहा और ये विश्वास दिलाता रहा कि परमपूज गुरुदेव की सत्ता हमारे साथ में है और हमारे साधक भी यहाँ डटे रहे। इन भाइयों से बार बार कहा गया कि आप शक्तिपीठ चले वहां रहे, रात में अंधड़ आएगा तो बोले नहीं, जहाँ हमारे गुरु जी हैं हम उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे, भीगते रहेंगे और इसी यज्ञशाला में वे रहे। तो आइए ऐसे श्रद्धा के से भरे हुए ओतप्रोत हमारे भाई बहन जिन्हें दीक्षा का क्रम संपन्न कराया जा रहा है गीत के माध्यम से इस क्रम को प्रारंभ करेंगे और हमारे उपाचार्य भाई बहन तैयार रहेंगे, जब जैसा निर्देश हो क्रम करते रहेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा जय घोष करें हमसे। परम पूज्य गुरुदेव जो अमृत कल्प वृक्ष और काम धेनु पारस ब्रह्मास्त्र की तरह रहे हमारे जीवन में और उनकी छाया में बैठ करके जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो पाया है वही इस अमृत कुंभ में, इस कुंभ मेले में वही अमृत की बूंदें छिड़कने हमारे बीच आए। दिखने में साधारण आपको दिखते हैं कि एक साइंटिस्ट है, एक अध्यात्मिक है, लेकिन दो लाइन में उनका परिचय प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, आप सुनिए जल्द से। और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर जिनका अपना अंदाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है। हम सब परिजनों के बीच में एक साधक और तपस्वी जो सबके दिलों पर करते राज हैं। लोग कहते हैं इनके श्रद्धे और सर, पर ये सर नहीं, ये दुनिया के सब ताज। और ऐसे सेना नायक पर हम सभी परिजनों को गर्व होता है, उस गुरु सत्ता के चरणों में बैठ करके जो पाया है उस गीत के अंदर आप सुनिए। गुरु संरक्षण पाया जिसने, भाई इस दुनिया में अभय हो गया, उदय हो गया। जिसने सौंप दिया अपने को श्री सद्गुरु के चरणों में, उस पर स्वर्गित वैभव का सारा सदय हो गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण
धन जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। छाया में चरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देव का श्री भगवान है, गुरु है अपने देव का श्री भगवान है, गुरु है अपने देव का श्री भगवान है। प्राण का पंछी प्राण का पंछी बसेरा आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। माने यदि अज्ञा तो सत की भक्ति है, माने यदि अज्ञा तो सत की भक्ति है, माने यदि अज्ञा तो सत की भक्ति है। धन्य है जिसको व्यापक पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा अमृत अनुरूप है, उनकी करुण कृपा अमृत अनुरूप है, उनकी करुण कृपा अमृत अनुरूप है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, मध्य जोन के हमारे माननीय शिवचंद्र भाई जी, दुबी जी भाई साहब और सभी यहाँ बैठे हैं हमारे परिजनों, वो लोग जो सिंहस्थ में भाग लेने आए हैं, वो लोग जो महाकाल का दर्शन करने आए हैं, सभी ऐसे हमारे भावुक परिजन भाइयों बहनों, बड़ी परीक्षा की कसौटियों से गुजरना पड़ा आपको। मैं इन सबका आंखों देखा हाल सुनता रहा, यहाँ से बराबर नियमित रूप से आता रहा, मुझे पता चलता रहा कि किस तरह से आंधी और तूफान ने आपकी परीक्षा ली। एक छोटा सा गीत है पुरानी पुरानी फिल्मों का, ये कहानी है तू दिए और तूफान की। तूफान आए कितना भी गहरा तो दिया बुझता नहीं, ऐसे ही दिया ये अखंड दीपक है जलता रहा, बिल्कुल नहीं बुझा, निरंतर जलता रहा, क्योंकि इसके पीछे की उदय की शक्ति थी। और इस दिए ने आपको प्राण दिए, इस दीपक ने, जैसे अखंड दीपक ने गुरुदेव और माता जी को प्राण दिए, गुरुदेव और माता जी के माध्यम से ये निर्माण योजना की शुभारंभ किया, और दिए के माध्यम से, दीपक के माध्यम से आज जी जी अपने देव कन्याओं के माध्यम से वहाँ तप करा रही, निरंतर पूरे देश में फैले हुए अपने असंख्यों कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए। और जिस दिए के संरक्षण में मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ, उस दिए की छाया में ही मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ, ऐसे दीपक के संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव, करमंदीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, दोनों ने मिलकर के इस संगठन को खड़ा किया। हम इतना जो संगठन खड़ा किया तो जो परीक्षाएं भी ली, कठिन कठिन परीक्षाएं ली, जैसे आपका ये सिंहस्थ का पर्व है, इसमें ये संकट आया, ऐसे ही संकट कोटा अश्वमेध यज्ञ में आया था, ऐसे ही संकट हमारा हल्दी घाटी में आया था, बहुत मौसम खराब हुआ। अब मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं, मौसम के जो देवता हैं, वरुण देवता, वायु देवता, ये सारे के सारे जैसे देवताओं का आह्वान करते समय आ जाते हैं, जब आप बुलाते हो उनको तो आएंगे ही, वो आएंगे तो वो तूफान मचाएंगे ही, इसलिए इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नुकसान जो उनका हुआ है, जिनको जनहानि हुई, नुकसान उनका हुआ है जिनके आश्रमों में बहुत कुछ नुकसान हो गया, फिर भी उनका नुकसान 5% है, जैसा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, 5% नुकसान है, उनको भी रिपेयर कर दिया गया। भाई बहनों, मैं सिंहस्थ में पहली बार आया हूँ, जबकि मैं यहीं रहता था पास में इंदौर, मैं पढ़ाई करता था और मैं हर महीने एक बार आता था महाकाल के दर्शन करने के लिए, और हर महीने एक बार जाता था वहाँ के लिए, हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि महाकाल के पास शक्तिपीठ स्थापित हो जाएगा और उस ओंकारेश्वर के पास भी शक्तिपीठ स्थापित हो जाएगा। वहाँ भी मैं गया, तभी बाद में गया, अभी अभी गया, और आज मैंने जो दर्शन किए महाकाल के प्रातःकाल, वो दर्शन बड़े दिव्य थे, बड़े विलक्षण थे, बड़े अद्भुत थे। वो वैसे दर्शन नहीं थे जैसे मैंने पहले किए। दुविधा को हरने वाली
उसको लेके अंदर गहरे उतरिए, बहुत शांति मिलती है। जो बोध होता है वो अपने जीवन में सबसे बड़ी विभूतियों में से भी बड़ी विभूति होता है, जो भीतर जाने पर बोध होता है। ठीक है, अभी आपने प्रज्ञा पुराण की कथा सुनी, सुनिया अब आरती करेंगे शाम को, और क्या कार्यक्रम होता है, आज समापन है बस। ठीक है, तो अब एक निवेदन करिएगा, जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं उनसे निवेदन है, और जो नया है उनसे भी है। ये भगवान को अपने जीवन को भगवान के अनुशासन से घेर लेने का ही सारा उपक्रम है, जितना सत्संग है, जितनी बात है। उद्देश्य का है तुसी हर जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। भीतर बाहर प्रभु का बोध हो जाए, सबका फल एक ही है ना। तो उसमें एक सूत्र है, सो जागत सोवत शरण तुम्हारी। अगर आप भी अभ्यास करना चाहें तो कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, जीवन देवता की साधना आराधना। आपका जीवन प्रत्यक्ष देवता है और देवता परोक्ष है। जितना भी कुछ इंटरनेट की व्यवस्था बनी हुई है वो सब परोक्ष है, हमारा कंप्यूटर हमारे लिए प्रत्यक्ष है। हमारा कंप्यूटर हमारे लिए प्रत्यक्ष है। अगर आपका कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है तो सारे इंटरनेट आपको वहीं मिल जाएगा। तमाम रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, अगर आपका ट्रांजिस्टर ठीक काम कर रहा है तो सारे रेडियो स्टेशन आपके अंदर बोल जाए। बस ये ध्यान रखिए, दुनिया में बड़े बड़े सेंटर्स लग जाते हैं लेकिन रिसीव करना उसी सेट को। तो अपने भीतर वाले को सेट कर लिया तो सब सेट हो जाता है। तो उसका दो है, आप छोटा सा प्रयोग करिएगा। अभी यहाँ रात को जाएं, शाम से जब लेट जाएं तब भगवान को याद करिए और ये कहिएगा, भगवान जी आपने हमें एक दिन का जीवन दिया था, अब आपके सामने हिसाब लगाते हैं कि कितना सार्थक रहा कितना निरर्थक रहा। भगवान को सामने बिठा के, गुरु को सामने बिठा के अपना हिसाब लगाइए। 5-10 मिनट को हो जाती है सारी बात, भीतर की बात को समय नहीं लगता। कहाँ कहाँ तमाशे मोड़िए, कहाँ कहाँ की बात मिली, कहाँ मिली तो भूल गए वगैरह वगैरह सब देख करके। और अंत में भगवान से कहोगे देखिए कितना उपयोग कर पाए, इतना रह गया। अब प्रभु ये गिनती है क्या है, अब आज का दिन समाप्त, आज का जीवन समाप्त। ठीक है, तो अब अपना जितना कुछ था भला बुरा आपको सौंपते हैं और अपने आप को भी आपको सौंप देते हैं, फिर अच्छी नींद आ जाए। योग निद्रा का यही ढंग है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत राम कह आवत नाही। तमाम कोशिश करते हैं कि अंत में नाम राम नाम निकल जाए तो गति मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी भर जो सोचा वो यंत्रों में सोचता है आदमी। तो अपना रोज साधन तुम्हारे के नींद माने आज की मृत्यु, और ये मान करके सब भगवान को सौंपो। अगर ये अभ्यास रहा तो जब मृत्यु आएगी तब भी सौंप पाओगे, है ना। और नहीं तो जो जिंदगी भर किया वही उस समय याद आता है। जुआरी को जुआ याद आ जाता है, शराबी को शराब याद आ जाती है, और द्वेष करने वालों को द्वेष।
से पहुंच रहे हैं। आप सब लोग कुछ समय के लिए बैठ जाएं अपने Thank you.
तिलक लगाने के लिए हमारे सम्मानित टोली नायक महोदय और इस यज्ञशाला के प्रभारी दोनों भाई तिलक लगा करके जो है थोड़ा जल्दी करवा दें, दुपट्टा पहना देवे और हम सब की ओर से भाई पंड्या जी पुष्पहार पहना देवे ताकि दीक्षा का अगला क्रम के प्रारंभ किया जाए। आप माला तो सब लोग मुक्ति पा चुके होते हैं, लेकिन बात सही है, उसी तरह से सही है कि कहा जाए कि अब कोचिंग में अगर आप प्रवेश कर लोगे तो सफलता निश्चित है। ये बात सही है, हम कोचिंग में बहुत अच्छी है, उसमें प्रवेश ले लोगे तो सफलता निश्चित है, लेकिन उसके पीछे एक अनुशासन छिपा है। उस कोचिंग में नाम लिखा रहो, घर पर बैठे रहो और कोचिंग की जय और कोचिंग चलाने वाले की जय बोलते रहो और स्वयं अध्ययन करो नहीं तो सफलता मिल जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। दीक्षा भी ऐसे ही है, दीक्षा का मतलब होता है उत्पन्न, गुरु के साथ साझेदारी करता है शिष्य, विश्वास करिया कि ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन दे सकता है, इसने सफल जीवन जिया है तो ये सफल जीवन जीने के सूत्र समझा सकता है और भगवान ने हमें शक्ति दी है कि अगर हमें सूत्र मिल जाए तो हम उनका पालन कर सकते हैं। नहीं, हमारा बेटा तो मूर्ख है, नहीं भगवान ने मूर्ख नाम का व्यक्ति बनाया ही नहीं। उपनिषद का वाक्य है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकता, ऐसे कोई हरियाली नहीं जो औषधि के रूप में नहीं इस्तेमाल हो सकती, इसी तरह ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मूर्ख कहा जा सके। उपनिषद का वाक्य है अमंत्रम अक्षरम नास्ति ना सस्यम निरौषधया अबुद्धम मानवम नास्ति, ये बुद्धि सहित भगवान की रचना है, तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो जाता है? योजना तत्र दुर्लभा, उसका योजन करने वाला नहीं मिलता, कौन सा अक्षर कहां मंत्र बनेगा, कौन सी हरियाली कहां औषधि बनेगी और कौन सा मनुष्य कहां प्रतिभाशाली सिद्ध होगा, इसकी बुद्धि की बनावट कैसी है ये कोच जानता है, खिलाड़ी ये जानता है, उसका शरीर देख के बता रहे बेटा तू ये गेम खेल, तू किस तरह की चीज बन जा, उसके ये सूत्र रहे, वो नियोजन जानता है। जितने सफल गुरु हुए उनका नियोजन नाम आता था उनको, आपने सुना होगा डॉक्टर कलाम साहब, उनके गुरु ने कहा था बेटा तू वैज्ञानिक बनना, तेरे अंदर वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, तो बन गए और पायलट बनने गए थे तो फेल हो गए। अरे साहब ये तो मूर्ख है, पायलट ही नहीं बन पाया, उसे पायलट थोड़ी बनना था, उसे तो मिसाइल मैन बनना था, भारत रत्न बनना था, वहां असफल हो गया तो उसका नियोजन छोड़ते, नियोजन हो गया तो हाईलाइट हो गया। बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, अर्थ के थे, उनका वो गणित की सवाल करते रहे, उनका मतलब प्रभारी से कुछ नहीं आता, लेकिन उसने देखा कि वो तो वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व किया करता बैठा रहता, थोड़े वजह भेज दिया वहां उनका आज
वाले वो कहते हैं, वहां के विदेशी विद्वान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। हर अंक से उसकी गहरी दोस्ती थी, जो अंक वह उसी की विशेषता बता देता था। रामानुज और जगह लगाते तो मूर्ख होते। गुरु का काम होता है शिष्य को सही दिशा में नियोजित कर देना, ये साझेदारी होती है। वो लगाना जानता है, ये लगना जानता है। सामर्थ भगवान की दी हुई है। तो प्यारे बहनों भाइयों मित्रों, बताना चाहता हूं, आचार्य श्रीराम शर्मा की दीक्षा वही है। तुम्हारे अंदर क्षमता है भगवान की तरफ पढ़ने की, और उनके पास अनुभव है भगवान के साथ जोड़ने का, ये साझेदारी है। इसका नाम दीक्षा होती है। जो कान फूंक करके मुक्ति की बात सोचते हैं वो छोड़ दे, ऐसी दीक्षा कोई नहीं। लेकिन जो आदमी की प्रतिभा निखारने वाली दीक्षा होती है, और वो उसी डाल पर बैठ करके उसी को काटने वाला कालिदास को कवि कालिदास बनाने वाली दीक्षा होती है, वो होती है। सुनियोजन की दीक्षा होती है। गुरुदेव ने एक ही दीक्षा कराई, भगवान के साथ साझेदारी। और हर दीक्षा का उद्देश्य यही होता है। कबीर ने भी कह दिया, बलिहारी बा गुरु की जो गोविंद जी दिखा। अभी आप मंत्र बोलते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन, उसके चरणों का जो दर्शन करा देता है उस गुरु को नमस्कार। गुरु का एक ही काम है, साधक को भगवान की दिशा में प्रेरित करके अनुभूति करा दे। अगर वो करना है तो दीक्षा हो। अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे सफलता निश्चित है, दीक्षा पाओगे तो जीवन की दिशा सुनिश्चित है। लेकिन वहां लगा हुआ है कि गुरु का निर्देश और आपकी मेहनत, इन दोनों का योग होगा, वहां सफलता आएगी। गुरु का गाइडेंस और हमारी मेहनत पुरुषार्थ, ये दोनों मिलेंगे तो ही आएगा, अन्यथा नहीं। ये फॉर्मूला वहीं पर से ही होता है। इसको दीक्षा कहते हैं। और ये गायत्री की दीक्षा है। गायत्री वैसे भी गुरु मंत्र कहलाता है, लंबा समय नहीं लूंगा। एक मंत्र है जो सारे विश्व के लोगों ने कहा कि सारा अभी जो बात कह रहे थे, पार्लियामेंट ऑफ ऋषिज, ज्ञानगंज का नया नाम दिया है, थियोसोफिकल सोसाइटी में अगर आप लिटरेचर पढ़ो, उसको व्हाइट ब्रदरहुड कहा है। वो सफेद वस्त्रधारी लोग हैं, वो भाई की तरह रहते हैं, दे आर रियल रूलर्स, वही करते हैं उनका काम। लंबा विषय है तो उसको ये अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अपने यहां ऋषि संघ कहा गया है, ऋषि तंत्र कहा गया है। गुरुदेव ने कहा, यहां से अगर आप उनकी वर्षीय वसीयत विरासत पढ़ेंगे तो उसमें यही बात है कि जब उनके गुरु ले गए उन्होंने यही कहा था। ऋषियों ने कहा कि अगर लोग सही दिशा में चलने को तैयार हो जाए तो ज्ञान और शक्ति हम दे देंगे, लेकिन व्यक्ति तो तैयार हो, कोर्स हम दे देंगे, फीस हम जमा कर देंगे, लेकिन पढ़ने को तो तैयार हो, कसरत हम करा देंगे, जिमनेशियम में हम भर्ती करा देंगे और डाइट की भाई इंतजाम कर देंगे, लेकिन कसरत करने वाला तो तैयार हो। ये सब चीजें दुर्लभ है। कसरत भी सिखाएंगे, जिमनेशियम भी देंगे, अखाड़ा भी देंगे और डाइट भी देंगे, भोजन भी देंगे, लेकिन करने वाला तो तैयार हो। हम तो गुरु जी की जय बोल के पहलवान बनना चाहते हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो निवेदन कर रहा हूं कि ये शिक्षा का मतलब साझेदारी, गायत्री गुरु मंत्र है। थोड़े में आप समझ लें, ईश्वर का बोध कराता, इससे बढ़िया बोध कराने वाला कोई सूत्र दुनिया में नहीं। भगवान का सबसे सुंदर निरापद नाम ओम है। ओम क्या है, एक आज तक नासा ने भी किया कि इससे मिलता जुलता गुंजार प्रकृति में बराबर चल रहा है। हमारे ऋषियों से नाद ब्रह्म का कि नाद बराबर चल रहा है, पर उसी को हम मान लेते हैं भगवान का प्रतीक। भगवान ने नहीं देखा, आकाश से नाद पैदा होता है, आकाश से होता है शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। ओम से भगवान को समझो, अल्लाह कहना हो नाम रख लो, ईश्वर कहना हो नाम रख लो, गॉड कहना हो नाम रख लो, शक्ति नाम रख लो, पिता महादेव नाम रख लो, जो नाम रखना हो,
है वही परम चेतना, तो कहाँ है वो? ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व तीनों लोकों में है। आपको कहीं जाना नहीं है उसके लिए, वो आपका कहता है। रेडियो स्टेशन का प्रसारण सुनने कहीं जाना नहीं है, ट्रांजिस्टर होना चाहिए, यहीं आएगी रेडियो की तरंग। तो करना क्या, रिसीव करना है तत् सवितुर्वरेण्यम, उसका वर्णन करना है, वो तो खुद आता है। सूर्य में कोई वैज्ञानिक नहीं जा सकता और सूर्य को कोई वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में भी नहीं ला सकता। सूर्य सब तक आता है, उसकी किरणों से ही परीक्षा कर लो, उसी किरणों से भी फायदा उठा लो, लेकिन वर्ण तो आपको करना पड़ेगा। खेत वर्ण करेगा तो फसल बन जाएगी, वृक्ष वर्ण करेगा तो बड़ा हो जाएगा, सोलर सेल बनेगा तो बिजली पैदा हो जाएगी, धरती वर्ण करेगी तो भूगर्भ पक जाएगा, और सारा वर्ण कर लेगा तो सिद्ध बन जाएगा। वर्ण तो करो तत् सवितुर्वरेण्यम, अरे उसका हम वर्ण कैसे करें? अरे वो सविता है, उसी ने पैदा किया है, सविता सविता भवति, उसी ने पैदा किया है। पैदा करने वाले से अरे भगवान कहाँ और हम कहाँ, क्यों? कभी कोई कहता है बच्चा पैदा हुआ नितांत अनगढ़, नितांत निर्बल, और माँ पूरी समर्थ पूरी समझदार। अब कहे कहाँ बेटा कहाँ माँ, अंतर है कोई? अरे कहीं अंतर नहीं है, क्योंकि माँ ने पैदा किया है। बेटे के लिए और कोई मिले ना मिले तो माँ की बहुत सुरक्षित है, बेटे के लिए कोई आहार ठीक हो ना हो माँ का दूध सुरक्षित है।